हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस एपिसोड नंबर 6 मे मंथ 2020। पिछले दो दिन के आज की डेट है 12th मई। आज अपन बात करेंगे 10 और 11 तारीख के इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यूज की, ठीक है। तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। प्रीलिम्स एम्पलीफायर का चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलरली नॉन एज गुरुदेव, ही वॉज प्राइमरली नॉन एज राइटर, प्ले राइट, फिलोसोफर एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती एंड ही वॉज अ पेंटर ऑल्सो, ही रॉट नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो अपने को ये पूरा पैराग्राफ आप पोज करके एक बार सोचिए, ये किस से रिलेटेड है, किसके लिए ये बातें पूरी की पूरी एकदम सूटेबली एकदम सेट होती हैं। क्या वो इकबाल के लिए है या रविंद्रनाथ टैगोर के लिए है या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए है या महात्मा गांधी के लिए है, मोहनदास करमचंद गांधी? इसका आंसर है बी। बेसिकली अभी 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, कहाँ पर? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें इनकी एक वर्चुअल टूर के हिसाब से एक बनाई गई है, पूरी एक आर्ट बनाई, आर्ट गैलरी बनाई है जिसकी थीम क्या रही, गुरुदेव जर्नी ऑफ मेस्ट्रो मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये थीम थी, ये किससे रिलेटेड थी, गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते थे। इनका जो जन्म था वो हुआ था 7th मई 1861 को, और जैसे कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या फीचर्स थे, वो सारी चीज़ें या क्या क्या इनकी बेस्ट क्रिएशंस थी, क्या क्या इनके प्रोफेशंस थे, वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में ऑलरेडी गिवन है। ही वॉज़ अ राइटर, प्ले राइट, फिलोसोफर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विश्व भारती भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ही वॉज़ अ गुड पेंटर ऑल्सो, ठीक है। फिर आगे बात करें अगर अपन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने नेशनल एंथम लिखा इंडिया और बांग्लादेश का, इंडिया का अपना जनगणमन, ठीक है, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांगल, क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। इसका मतलब इंडिया और बांग्लादेश, ये दो कंट्रीज़ के नेशनल एंथम किसने लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे राखी उत्सव सेलिब्रेट किया था जिसमें इनका मेन फोकस था हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर का फोकस या उनका कहीं ना कहीं एम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे था कि नहीं था। दूसरा, इन्होंने नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था, नाइटहुड एक उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में, ठीक है, उस पर आपको सर बोलना शुरू कर देते हैं, नाइटहुड की उपाधि जब आपको दे दी जाती है, तो वो इन्होंने छोड़ दिया था। रीज़न बीइंग कि जो जलियांवाला बाग मैसेक्री हुई थी, मैसेक्री, उसकी वजह से बहुत सारे डेथ हुए थे और इस वजह से उन्होंने ऐसे कैसे वो नाइटहुड को रेनाउंस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपने सामने एक तरफ हैं ग्लेशियर्स, दूसरी तरफ हैं माउंटेन रेंजेस, तो इनमें अपने को करेक्ट पेयर ढूंढना है। गंगोत्री ग्लेशियर महाभारत रेंज में है, सियाचिन ग्लेशियर पीर पंजाल रेंज में है, या और थर्ड है मासरब्रूम, ये काराकोरम रेंज में है। तो इनका जो सही पेयर है वो ढूंढना है अपने को। तो देखो एक एक को अपन देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर्स, देखो गंगोत्री ग्लेशियर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड वाले रीजन में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो छोटे तीर्थ हैं, चार धाम हैं वो। तो अगर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में महाभारत रेंज है नहीं, ठीक है, महाभारत रेंज कहाँ जाती है, नेपाल में। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। तो पहला ऑप्शन जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, काराकोरम में, ना कि पीर पंजाल में, ठीक है, और पीर पंजाल में भी नहीं है सियाचिन, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बच गया, अगर ये आपको पता भी नहीं है तो ये आराम से हो जाएगा, मास्टर ब्रूम काराकोरम रेंज में। ओके, इस तरीके से इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट डिक्लेयर की है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वो रिसर्च कर रहे थे लद्दाख वाले रीजन में काराकोरम रेंज में, तो इन्होंने देखा कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो एक तो एडवांस कर रहे हैं, एडवांस का मतलब उनमें मूवमेंट आ रहा है, तो मूवमेंट का मतलब ग्लेशियर्स में बहुत ज़्यादा डेंजरस है वहाँ के आसपास के नियर बाई हैबिटेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी एनिमल हैबिटेट हो या फिर ह्यूमन इनहैबिटेट करते हो उस पर्टिकुलर एरिया को, तो वो एडवांसमेंट क्या है, वो विलेजेस के विलेजेस को पूरा एकदम कॉलेप्स कर देगा, ख़त्म कर देगा। इस वजह से इसकी स्टडी की गई है और ये न्यूज़ में रहा है। ओके, इसमें जो फैक्टर्स रहे हैं उसमें क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर भी रहे हैं जैसे वाटर और प्रेसिपिटेशन, इसकी वजह से भी क्या होता है, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे स्नो कैप ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से भी क्या होता है, हैवी वेट होने की वजह से मूवमेंट, और साथ में नीचे से मेल्टिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो स्नोफॉल कहने का मतलब प्रेसिपिटेशन और मेल्टिंग, ये दोनों वजहों से एडवांसमेंट हुआ है ग्लेशियर्स में। और अगर काराकोरम रेंज की अगर अपन बात करें तो काराकोरम रेंज जो है वो बॉर्डर बनाती है इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच में, जिसका नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी में अगर अपन देखें तो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से भी कनेक्ट होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैप आपको ड्रॉ करके बताऊं तो और क्लियर हो पाएगा आपको, आप देखेंगे इंडिया का इस तरीके का मैप रहता है अपना। ठीक है, तो ये काराकोरम रेंज जो है वो इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ये इंडिया वाला पोर्शन आ गया, इधर चाइना वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके से है ये, अगर ये काराकोरम रेंज अपनी हो जाती है तो। ठीक है, अब और आगे इसमें बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक जो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो भी इन्हीं काराकोरम रेंज में यहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पर फेमस ग्लेशियर्स अवेलेबल हैं, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, मासर ब्रूम हो गया, गैसर ब्रूम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, साल्टोरो बाल्टोरो ये भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं इस रीजन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से स्टेट में है, गोवा में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। इसका सही आंसर है गोवा। बेसिकली हुआ क्या है, ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अगर अपन गोवा का मैप देखोगे आप तो इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में इस जगह पे गोवा है, अब यहाँ पे गोवा है तो इस वाले रीजन में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब साउथ ईस्ट रीजन ऑफ गोवा में लोकेटेड है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। और ब्लैक पैंथर्स क्या होते हैं, बेसिकली जितने भी ये बिग कैट्स होती हैं इनका जो एक तरीके से ये कौन सी फैमिली से हैं, तो पैंथेरिया से हैं। किससे हैं, पैंथेरिया। अब पैंथेरिया जो है पैंथेरा फैमिली से हैं, तो इनमें क्या होता है, एक अपनी स्किन सेल्स के अंदर एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, टिश्यू होता है या फिर एक चीज़ होती है जो मतलब कलर को डिफाइन करती है, तो उसको बोलते हैं मेलेनिन। तो मेलेनिन की क्वांटिटी अगर स्किन सेल्स में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है, कलर डार्कनेस आ जाता है स्किन का। ठीक है, तो मेलेनिस्टिक हो जाने के बाद में लेपर्ड और जेगुआर्स ठीक है बिग कैट फैमिली में ही है। ठीक है, तो उनका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है तो उनको बोलते हैं ब्लैक पैंथर्स। तो उसको स्पॉट किया गया कहाँ पे, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि गोवा में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को राइट पेयर सेलेक्ट करना है, एक तरफ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ है स्टेट्स, इसमें अपने को राइट पेयर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ये महाराष्ट्र में है, इसके बारे में सोच लेंगे अपन। मधुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, जी हाँ बिल्कुल ये है। तो फर्स्ट और थर्ड में बी और सी दोनों पे सोच सकते हैं। अब है महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, ठीक है, और महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महादेव रिवर भी है, ठीक है, उसके नाम पे है, तो उसका मेजर पार्ट जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका रिवर कोर्स जो है महादेव रिवर का तो वो गोवा में है, तो उस हिसाब से अपन थोड़ा आइडिया गैस लगा सकते हैं गोवा का। तो दूसरा अगर ऑप्शन गलत हो रहा है, पहला तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, अब आपको मैं थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके अंदर ये जो ब्लैक पैंथर है उसको अर्लियर स्पॉट किया गया था। ब्लैक पैंथर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की बात चल रही है अपनी कंटिन्यू। तो सबसे पहले हुआ था प्रीवियसली पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है,
भद्रा टाइगर रिजर्व, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, कबीनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं नाम फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे गया, केरला में। अब बात कर रहे हैं दूसरे टाइगर रिजर्व्स की, वो है भद्रा टाइगर रिजर्व, अंसी, डंडेली टाइगर रिजर्व, कबीनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी कर्नाटक में गई। अचानकमार टाइगर रिजर्व्स, ये गए छत्तीसगढ़ में। महादेई, ये चला गया गोवा में। और मुदुमलाई कहाँ चला गया, तमिलनाडु में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द यमनिका तीर्थ। यमनिका तीर्थ को किसको बोला जाता है, बद्रीनाथ को, द्वारका को, पुरी को, या रामेश्वरा, रामेश्वरम है ये, वरानी, रामेश्वरम, किसको बोला जाता है, पॉज करके सोचिए। देखिए इसका आंसर है सी, पुरी को। पुरी जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको वाइट पैगोड़ा भी बोलते हैं, वाइट पैगोड़ा, ठीक है। और इस पुरी को ही क्या बोलते हैं, यमनिका तीर्थ, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि कोविड-19 की वजह से मास गैदरिंग तो अलाउ है नहीं, तो उस वजह से जब ये रथ यात्रा के लिए जो निकलती है, जिसमें सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण, मतलब जो वासु जगन्नाथ जो होते हैं, उनकी यात्रा निकाली जाती है, उसके लिए रथ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। और यमनिका तीर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर यमराज, जो कि अपनी हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई भी पाप पुण्य कुछ भी करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो जजमेंट देते हैं फाइनल, कि हाँ इसको कैसा फल मिलना चाहिए आफ्टर डेथ, ठीक है। तो डेथ गॉड जो है यमराज, वो यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, इसलिए यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं। और जगन्नाथ जो है वो कहें विष्णु जी के ही अवतार हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जो ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल को क्या बोलते हैं, वाइट पैगोड़ा, जगन्नाथ पुरी वाला जो टेम्पल है उसको वाइट पैगोड़ा भी बोलते हैं। यहाँ पर चार दरवाजे हैं, सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुंदरबंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है, पहली स्टेटमेंट दस अपने को देखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये जरूर ध्यान दे लेना अपने को। यहाँ पे द सुंदरबन डेल्टा इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहैबिटेटेड बाय टाइगर्स। वर्ल्ड में इकलौता ऐसा टाइगर, मतलब मैंग्रोव है, फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर्स रिजाइड करते हैं। दूसरा, रिसेंटली इन 2017 सुंदरबन हैज़ बीन रिकोगनाइज एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया गया है सुंदरबन को, कब, 2017 में। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 2019 में मिला था ना कि 2017 में, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन अपना ये चला जाएगा इनकरेक्ट के हिसाब से। दूसरा, अगर अपन देखें सुंदरबन डेल्टा इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, पर क्या होता है, ओनली के अंदर अपने को बिल्कुल एक्सट्रीम जाने की वजह से नहीं काट सकते हैं, अपने को अगर नॉलेज है, ये वही है कि 95% वाला जो रेशो चलता है कि एक्सट्रीम वर्ड आए तो अपने 95% काम चलता है, पर 5% के अंदर काम नहीं चलता, तो वो वाला केस आ गया। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट कि सुंदरबन वर्ल्ड में इकलौता ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जिनको बोलते हैं वो रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज टू नॉट वन, क्योंकि पहला सही है, अपने को इनकरेक्ट देखना है, तो आंसर इज बी। ओके, अब मैं आपको सुंदरबन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, जो कि मेनली कौन से रीजन में लोकेटेड है, वन सेकेंड, हाँ तो फिर से रिज्यूम करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो बात चल रही थी अपनी सुंदरबन डेल्टा की। सुंदरबन डेल्टा जो है वो रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये जो तीनों आके मिलती है उस वाले रीजन में बनती है, जिसका कुछ पार्ट तो आ जाता है इंडिया में, कुछ पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है उसका लगभग 60% एरिया सुंदरबन के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। दूसरी बात करें, यहाँ पर रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, तो वर्ल्ड में ये इकलौती ऐसी मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर अपने को टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। और बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकली, 2019 में सुंदरबन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग भी दिया गया। और 1987 की अगर अपन बात करें तो सुंदरबन को
यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि बद्रा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? क्या वो गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है या फिर कर्नाटक में है? देखो इसका आंसर है कर्नाटक। बेसिकली जो नेत्रावेली वाला जो बात हुई थी अपनी, नेत्रावेली वाले के अंदर ही देखा था आपने, तो वहाँ पर एक्सप्लेन मैंने कर दिया था कि बद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट पेयर अपने को पता करने हैं, ये स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान से देखा करिए। तो एक तरफ है पासिस, दूसरी तरफ है स्टेट। पहला स्टेट पहला है लिपू लेक है, वो हिमाचल प्रदेश में है क्या? सोचिए आप, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, ये है उत्तराखंड में। दूसरा नाथुला, ये सिक्किम में है, हाँ बिल्कुल ये सिक्किम में है। तीसरा आपने को देखना है जलीपला, ये अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल नहीं ये सिक्किम में है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही, बाकी दो स्टेटमेंट हो गए गलत। तो पहला और तीसरा गलत स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अभी रिसेंटली क्या है, जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, उन्होंने एक रोड डेवलप की है लिपू लेक से होती हुई, इसलिए ये पासेस न्यूज़ में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी एक इंडेक्स न्यूज़ में रहा है, उसका नाम है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। ये किसने पब्लिश किया है, WHO ने, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने या फिर यूनाइटेड नेशंस ने? इसका आंसर है सी। देखिए बेसिकली अभी जो COVID-19 आउटब्रेक हुआ है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जिन कंट्रीज़ ने टाइम पे एक्शन ले लिया, जिन कंट्रीज़ ने टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया और वो भी स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टनेस को मेजर कैसे किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, 16 इंडिकेटर्स हैं, जैसे स्कूल बंद करना, वर्क प्लेसेस को बंद करना, पब्लिक सर्वेंट्स को, पब्लिक इवेंट्स को बंद कर देना कि हाँ भाई मास गैदरिंग नहीं करनी है, तो इस तरीके से स्टे एट होम पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया। तो जिसने जितना हार्डली स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट किया उसको ज़्यादा मार्क मिले हैं। तो इंडिया को 100 स्कोर मिला है क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम टाइम पे ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी लॉकडाउन की। US, इटली, इनको स्कोर थोड़ा कम मिला है, रीज़न भी कि उन्होंने डिले किया और इसी वजह से COVID-19 आउटब्रेक को वर्सली हिट भी किया है इन दोनों कंट्रीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DB सेकटकर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? क्या वो डिफेंस रिफॉर्म्स हैं या फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं या फिस्कल रिफॉर्म्स हैं या फॉरेन रिलेशंस हैं? तो इसका आंसर है डिफेंस रिफॉर्म्स हैं। बेसिकली DB सेकटकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं, MES जो है, उनमें से आप कुछ पोस्ट्स को आप ख़त्म कर दो। कारण कि आपको कुछ अपडेशन के लिए ज़रूरत पड़ती हो तो यहाँ पर फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। आप उस चीज़ को अगर नए सिरे से स्टार्ट करोगे, नई अपडेशन लेके आओगे, तो न्यू डिमांड के अकॉर्डिंग आप फुलफिलमेंट पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कमेटी किससे रिलेटेड होगी? डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कार्ड रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या ये कंसोर्टियम है जो कि रैपिड टेस्ट किट बनाने के लिए है, या फिर COVID-19 के अगेंस्ट में ये प्रोजेक्ट DRDO ने शुरू किया है, या फिर ये नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BDT नहीं DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू किया है, या फिर बोथ ए एंड सी, दोनों स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर है डी, बिल्कुल ये नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दोनों ने मिलकर ये काम किया है। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि COVID-19 के अगेंस्ट जो अपनी फाइट चल रही है उसके लिए लार्ज स्केल के ऊपर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स डेवलप किए जा सके, उसके लिए कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप बनाया गया है कि आप रिसर्च करो, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट कराओ रैपिड टेस्टिंग। रीज़न बीइंग इसमें रैपिड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो अपनी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से अपनी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है, और एंटीबॉडीज़ का अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है और आपने रैपिड टेस्ट कंडक्ट करा दिया तो आपको पता पड़ जाएगा कि इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में अपने को बात करनी है। क्या ये मल्टीलेटरल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया ने प्रपोज किया था? दूसरा है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में लोकेटेड है। तो अपने को यहाँ पर बताने हैं राइट स्टेटमेंट। ये डायरेक्टिव वर्ड्स को आप जरूर ध्यान से पढ़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है, इंडिया नहीं, ये चाइना ने प्रपोज किया था। बिल्कुल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है पर चाइना ने प्रपोज किया था, हेडक्वार्टर शंघाई नहीं, यहाँ पर बीजिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, ये एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि चाइना ने प्रपोज किया था, और इसका मेन पर्पज़ है, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, फाइनेंस देता है, लोन देता है। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग चाइना में,
फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 2016 में, इस पर प्रीलिम्स 2016 मेंस यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। इसकी मेंबरशिप है वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ओपन रहती है। और इसमें जो वोटिंग शेयर जो होता है वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की साइज़ क्या है, इकोनॉमी की साइज़ के अकॉर्डिंग वोटिंग शेयर्स होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें चाइना के स्टेक्स सबसे ज़्यादा हैं जो कि 26.61% है, दूसरे नंबर पे इंडिया का आता है, तीसरे पे रशिया, चौथे पे जर्मनी। तो इसमें क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछा जा सकता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें इंडिया का शेयर सबसे ज़्यादा है या वोटिंग राइट सबसे ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग राइट जो है शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, चाइना का। ओके, इसमें एक गवर्नर और एक अल्टरनेटिव गवर्नर अपॉइंट किया जाता है मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जो वर्ल्ड बैंक की लगभग हाफ कैपिटल अपने पास में रखता है साइज़ में देखा जाए तो, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो लगभग 67% साइज़ का ये बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरीबाड़ा। अरीबाड़ा एक प्रोसेस है, उसके बारे में बताइए कि कौन सा सही है। क्या ये मास नेस्टिंग बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल, मास नेस्टिंग मतलब अंडे देने का एक पूरा एक साथ एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, ये ओडिशा में कोई रेस ऑर्गेनाइज होती है जिसमें ओलिव रिडली टर्टल पार्ट लेते हैं। तीसरा, ये को आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह है जो कि ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स के लिए फेमस है, यूटेंसिल मतलब बर्तनों के लिए फेमस है, या ना नवदाबा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें क्या है, ये जो स्पेशल टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल है वो है ओलिव रिडली टर्टल। कई बार यूपीएससी ऐसे खेलती है कि आपको जनरल स्टेटमेंट एक दे देगी, पर्टिकुलर के अंदर दूसरे में नाम दे देगी, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, फिर ये दोनों में कन्फ्यूजन में ही अपन मरते हैं फिर। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा कि वाकई में सेंस क्या जा रहा है। ओके, तो बेसिकली अरीबाड़ा है क्या, ये मास नेस्टिंग बाय ओलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन किसका पार्ट है, भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया, नीलगिरी बायोस्फीयर की, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसका आंसर है ए। बेसिकली भीतरकनिका जो प्रोटेक्टेड एरिया है, भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया में तीन पार्ट आते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीतर गहीरमाथा मरीन सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, मरीन सेंचुरी है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, अपने स्टेटमेंट देखना है, पहला स्टेटमेंट और देखना है करेक्ट कौन सा है। These are smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. वर्ल्ड में जितने भी तरीके के टर्टल्स मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर्स ज़्यादा हैं और सबसे छोटा है ये, सी टर्टल्स की बात हो रही है। दूसरा, ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो देखिए, दूसरा तो गलत है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं है, वल्नरेबल में आता है, और जबकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्मॉलेस्ट है और अबंडेंटली पाया जाता है सी टर्टल्स की अगर अपन बात करें वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आज की अपनी डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट फिर से रिकॉल हुआ होगा। इससे रिलेटेड कंटेंट आपको आराम से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है पिछले दो दिनों के। तो चलिए, परसों फिर से आएंगे आपके साथ में दो दिन के करंट इवेंट्स उठा करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।